इस हफ्ते आए आर्थिक आंकड़ों से साफ हो रहा है कि देश में एक अच्छे मानसून के बावजूद कृषि विकास थम गया है। पिछले साल के मुकाबले मार्च से जून के बीच कृषि वृद्धि दर कम हुई है। इसका असर किसानों की आमदनी और ग्रामीण उपभोग पर विपरीत पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में खासकर पिछले तीन तिमाहियों में लगातार गिरावट देखी गई है। 2016-17 की तीसरी तिमाही में कांस्टेंट प्राइसेस पर विकास दर 6.8% थी, जो चौथी तिमाही में 5.1% हो गई और नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तेजी से घटकर 2.3% पर आ गई। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा तब हुआ है जब इस साल और पिछले साल मानसून भी सामान्य रहा है। हालांकि देश भर में महीनों तक चले किसान आंदोलनों का असर विकास दर पर प्रभाव जरूर डाला है। कृषि क्षेत्र में आई इस गिरावट के कारण ग्रामीण आय में कमी आई है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों के डिस्पोजेबल इनकम यानी प्रयोज्य आय कम हुआ है। इसका सीधा असर डिमांड पर पड़ा है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के उत्पादन में भी गिरावट आई है। कृषि कुल जीवीए का लगभग 13.4% हिस्सा है, इंडस्ट्रीज 30.9% और सर्विसेज 55.6% हिस्सा है। 2016-17 की पहली तिमाही के मुकाबले 2017-18 में कृषि की विकास दर 2.5% से गिरकर 2.3% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पिछले साल के 10.7% के मुकाबले 1.2% पर पहुंच चुका है। कुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र औसतन 5.8% की विकास दर से 2.3% की विकास दर तक गिर गया है। हालांकि सर्विस सेक्टर की विकास दर में इस दौरान पिछले साल के 8.9% से इस साल 0.1% का इजाफा हुआ और 9% तक पहुंच गया है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।